हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कबूतरों को नहान कब दें, उनको नहाने के लिए पानी कब देना चाहिए, उनको कब नहलाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देखते हो कि पानी आप जब भी कबूतरों को पिलाते हो कटोरी में कुंडे में, तो अक्सर नहाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहला दोगे एक दो दिन तक, तो चार पाँच दिन तक वो नहाने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही 8-10 दिन होता है, वो सर्दी हो गर्मी हो, वो पानी में नहाने की कोशिश करने लगते हैं। सुबह शाम को टाइम हो और नहाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बर्ड्स होते हैं, कबूतर होते हैं खासतौर पर, इनसे नहाने की टेंडेंसी होती है, नहाते जरूर है। इसलिए आप कोशिश करें कि महीने में कम से कम 2 बार तो नहला ही दें। एक बार अगर टाइम नहीं हो तो महीने में कम से कम 1 बार तो नहला ही दें, जिससे फ्रेश रहते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं और फिट रहते हैं। अंदर जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, गंदगी होती है, इनके शरीर में पालों के बीट लग गया, ये लग गया, बीट लगते रहता है, पंजों में बीट लगती है, पंखों में भी बीट लग जाती है। ये भी जमीन ठीक तो साफ सुथरे रहेंगे तो उतना ही फिट रहेंगे। इसलिए आप कम से कम महीने में 2 बार नहला ही दें, पानी आप रख दें। और नहलाते टाइम क्या पानी, कैसा पानी देना है, तो सबसे पहले साफ पानी रख दें और उसमें छोड़ दें। नहा लेंगे थोड़ा, एक दो बार डुबकी लगा लें, पानी गंदगी गंदा पानी निकल जाए, फिर हटा लें, फिर पानी गिरा के उसमें फिटकरी डाल दें। जो फिटकरी होती है वो डाल, पाउडर बना के उसमें डाल के और मिला के फिर छोड़ दें। फिर तुरंत नहा लेंगे, बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी उनके अंदर, शाइनिंग। और बिल्कुल जो अंदर कीड़े वगैरह छोटे मोटे होते हैं वो तो हट जाएंगे। और इसमें शाइनिंग करना चाहते हो, ज़्यादा शाइनिंग आ जाए इनमें बर्ड्स में, आपके कबूतर में शाइनिंग आ जाए, तो आप एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का जो बीच में कट होता है गुदा, उसको निकाल के और उसको पानी में मिक्स कर दें, उसको सही से बिल्कुल मिला दें और उसमें डराएंगे तो बिल्कुल चमक जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी कबूतरों में, ऐसे लगेगा बिल्कुल चमक जाएंगे। क्योंकि जो होता है एलोवेरा वो उनके फ़ायदा भी करेगा, स्किन के लिए भी सही रहेगा और फायदे वगैरह बिल्कुल साफ़ कर देगा। वो एक तरह शैम्पू का काम करता है, जो एलोवेरा होता है शैम्पू का काम करता है, बिल्कुल चमक जाएंगे एक तरह से। और एलोवेरा का पानी उनको नुकसान भी नहीं करेगा, पिएगा एलोवेरा का पानी तो नुकसान भी नहीं करेगा। और रही बात सर्दियों में कब नहलाना चाहिए, जब धूप सही से खिली हो तभी कबूतरों को नहलाएं सर्दियों में, क्योंकि जब सही से धूप खिली रहेगी तो नहा लेंगे और सही से सूख भी जाएंगे, और गीले रह जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो नहलाने के कम से कम आधा घंटा उनको बाहर रखें, आधा घंटा से कम उनको बाहर रखें, 1 घंटा भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही से सूख जाए तब इनको बंद करके रखें।